प्रीति कहाँ चली गई है? कभी ऐसे जाती नहीं है। केटी शर्मा अंदर भी नहीं है, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, ऐसे कहाँ चली गई? पता नहीं कहाँ। आ जाओ प्रीति, मैं पुलिस को फोन कर देता हूँ एक बार। केटी सर, पता नहीं वो कहीं भी नहीं है, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ उसे। हद हो गई। मतलब मैं थोड़ी देर बाहर क्या चली गई, आप तो चिंता करने लगे। मैं कहीं नहीं जाने वाली आपको छोड़कर। केटी कहाँ चली गई थी बिना बताए? कब से परेशान है सब, मैं कब से डर गया हूँ। प्रीति आप जानती है ना, अगर एक पल के लिए भी आप मुझसे अलग हो जाती है, दूर हो जाती है, तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। फिर फोन भी नहीं उठा रही थी आप। गिफ्ट लाने के लिए क्या मैं आपसे पूछ कर जाऊँ? क्या? हाँ, मैं आपके लिए तोहफा लाने गई थी। कहाँ गिफ्ट? प्रीति के साथ आई है, इसका मतलब माफ करती है आपने हमें? अपने लाडले बेटे बहू से इससे ज्यादा और नाराज मैं नहीं रह सकती। I'm sorry too, बेटा। बस भाभी बस, ये आंसू बहाने का वक्त नहीं है, तो इतनी खुशी का मौका है। आज गोद भराई का दिन है, चलिए गोद भराई करते हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। Thank you.
चाहे कुछ भी हो जाए, केटी को प्रीति की कैंसर के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो टूट जाएगा। अब मैं और मां साथ में मिलकर केटी को कैंसर के बारे में बताएंगे। देना है इसलिए लेके जा रही हूं इसे। अच्छा मेरा तो बिल्कुल फिक्र मत कर, तो बस यही रहा, मैं अभी फोन करके बुलाती हूँ डॉक्टर को। डॉक्टर को क्यों फोन करना? क्या हुआ है प्रीति को? चक्कर आ रहा था, मैंने देखा था, मैंने पूछा भी, आप लोग मान नहीं रहे थे मेरी बात। प्रीति से मेहमान वेट कर रहे हैं, आपका बातें बाद में हो जाएंगी ना। Have you lost it, Neil? प्रीति की तबीयत यहाँ पर खराब है, तुम मेहमानों की बात कर रहे हो, पार्टी की बात कर रहे हो, रस्मों की बातें कर रहे हो, अरे इसकी हेल्थ ज्यादा जरूरी है ना। प्रीति किसी भी रस्म किसी भी पार्टी का बिना प्रीति के कोई मतलब नहीं है। हर सेलिब्रेशन हर पार्टी प्रीति के बिना अधूरी है, मेरी जिंदगी प्रीति के बिना अधूरी है। उसके बिना ना मुझे सांस आती है ना ही मैं जी पाता हूं उसके बगैर। आप बताइए, बताइए मुझे क्या हुआ है आपको? हाँ चक्कर आ रहा है, बताओ मुझे प्रीति क्या हो रहा है? हाँ क्या हो रहा है? किटी मेरी तबीयत खराब हो गई है बेटा, इसकी तबीयत खराब है। हाँ क्योंकि इसने सुबह से कुछ खाया पिया ही नहीं है, सुबह से तैयारियों में लगी हुई है, इतनी धूप में कितनी बार मंदिर गई है, ऐसे में तो सर घूमेगा ही ना। प्रीति ध्यान रखना चाहिए बेटा, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, कुछ खाना पीना चाहिए ना। क्या प्रॉब्लम है आपकी? खाने से कोई दुश्मनी है या फिर मुझे इस तरह मरते हुए देखने में मजा आता है आपको? जान निकल जाती है मेरी, आप जानती है ना, क्यों ख्याल नहीं रखती अपना, खाना क्यों नहीं खाया, बात क्यों नहीं मानती आप मॉम की, ध्यान क्यों नहीं रखती अपना? मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूं, आप चुपचाप बैठकर खाएंगे और तब तक हिलेंगे नहीं यहां से, आराम कीजिए आप। ध्यान रखिए ना अपना प्रीति, कुछ हो गया ना तो आराम है। क्यों बोला माँ? प्रीति बेटा प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझना, प्लीज। लेकिन मुझे नहीं लगता कि केटी को भी सच पता चलना चाहिए। तुम्हारी बीमारी की बात सुन के वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, मैं जानती हूँ वो एकदम टूट जाएगा। देखा ना बेटा तुमने, तुम घर पे नहीं थी तो वो कैसा हो गया था, और अभी तुम्हारी तबीयत खराब होने की बात सुन के ही कितना परेशान हो गया है वो तुम्हें अपने आसपास नहीं देखता है ना, तो उसके होश उड़ जाते हैं, ऐसे में तुम्हें खो जाने के डर से वो पता नहीं अपने आप को बिल्कुल संभाल नहीं पाएगा वो। प्लीज अभी उसे कुछ मत बताना, अभी तो केटी ने खुशियों का मुंह देखना शुरू किया है, हम उससे उसकी ये खुशियां नहीं जीन सकते। और हाँ ये देख, ये वो आदमी है, अपनी पत्नी के जाने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाया, बहुत प्यार था उन दोनों में, जैसे उसकी पत्नी गई वो अपना आपा खो बैठा, पागल सा हो गया।
सच कहूं तो मैं केटी के साथ ऐसा कुछ होते हुए नहीं देख पाऊंगी। हाँ मैं जानती हूँ, मैं जरूर बहुत स्वार्थी लग रही हूँगी और शायद हो भी रही हूँ, लेकिन क्या करूं, मैंने केटी को 17 साल एक दुख से गुजरते हुए देखा है। वो बहुत मुश्किल से संभला है और तुमने ही संभाला है उसे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें खो जाने के डर से हम केटी को ही ना खो दें। मैं चाहती हूं कि जब तक तुम दोनों का बच्चा केटी की गोद में ना आ जाए, तुम प्लीज अपनी कैंसर वाली बात केटी को मत बताना। उसे जीने की एक वजह तो मिल जाने दो प्रीति, प्लीज। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? माँ की कैंसर सर्जरी है 7 दिनों में, उसे केटी सर को अपनी बीमारी की बात बतानी पड़ेगी। लाओ बेटा मुझे, तो मैं खिला दूंगी उसे। तुम एक काम करो, जाके गेस्ट अटेंड करो, सारी फैमिली यहाँ आ जाएगी तो फिर गेस्ट को ध्यान कौन रखेगा? हाँ मॉम, प्रीति। अरे वो बिल्कुल ठीक है, मैं हूँ ना, मैं हूँ उसके साथ, उसकी चिंता मत करो। हाँ जाओ, तुम जल्दी जाओ। ठीक है। क्या चल? हाँ मेरे साथ चलो ना थोड़ी देर। कहाँ? चलो तो सही, चलो चलो। क्या हुआ? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।